रामचरण ने बताया बॉलीवुड का घिनौना सच। क्या था रामचरण का बयान? किसने कहा जब फिल्म रिलीज होती है तो सब धार्मिक क्यों बन जाते हैं? कौन हुआ ट्रोल? दोस्तों, हाल ही में अक्षय कुमार और मिस यूनिवर्स मानुषी छिल्लर की अपकमिंग फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के रिलीज होने के बाद दोनों को स्पॉट किया गया। वो दोनों की वाराणसी में गंगा पूजा करते हुए की पिक्चर्स। एंड दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उन दोनों की ये पिक्चर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। क्या आप जानते हैं, इन पिक्चर्स के वायरल होने के बाद तो बस बवाल मच गया और इसके साथ ही कई एक्टर्स एंड फैंस के अलग अलग रिएक्शंस एंड कमेंट्स भी देखने को मिले। तो दोस्तों, क्या आपको पता है साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण ने भी कुछ ऐसा कह दिया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री चौंक गई। तो इसके चलते रामचरण की बात करें तो गाइस, वैसे तो उन्हें फैंस के द्वारा काफी ट्रोल किया गया था उनकी फिल्म ट्रिपल आर के रिलीज होने के बाद, क्योंकि फिल्म के सक्सेस के बाद उन्होंने एक व्रत रखा था जिसमें उन्होंने कुछ दिन नंगे पांव चला था, जिसके चलते उनको काफी कुछ सुनने को मिला कि ये तो टिकट्स बेचने की निंजा टेक्निक है। तो इसके चलते रामचरण ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म के रिलीज होने के बाद बाकी एक्टर्स कैसे धार्मिक बन जाते हैं। ट्रिपल आर स्टार ने कहा कि एक्टर्स जैसे कि टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, करण जौहर, अक्षय कुमार और न जाने कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जो वैसे तो साल भर कहते रहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन अपनी फिल्म के रिलीज होने के बाद अचानक से धार्मिक कैसे बन जाते हैं। बता दें कि रामचरण ने इनडायरेक्टली अक्षय कुमार को टारगेट किया जब वो गंगा में डुबकी लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सब एक दिन के लिए क्यों धार्मिक बनते हैं। फर्दर ही सेड कि फिल्म के रिलीज होने के बाद एक्टर्स देश के जितने भी मंदिर होते हैं वहां सब जाते हैं। रामचरण के और स्टेटमेंट से भी फैंस काफी हैरान रह गए थे। दोस्तों, रामचरण का कहना था कि आजकल सभी एक्टर्स पॉलिटिशियंस की तरह एक्ट करते रहते हैं। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि रामचरण बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट फिल्म के साथ हाजिर होने वाले हैं जिसका नाम है RC-15। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी रामचरण के साथ नजर आएंगी। टॉकिंग अबाउट इट्स लोकेशंस, तो ये फिल्म हैदराबाद भी शूट की जाएगी। पहले की बात करें तो ये फिल्म इसी साल 2022 में रिलीज होनी थी, लेकिन कोविड की तीसरी लहर की वजह से बाकी फिल्म्स की तरह इस फिल्म पर भी अफेक्ट आया एंड इसे मेकर्स के द्वारा पोस्टपोन कर दिया गया। फिल्म RC-15 के बात करें तो इसकी कहानी एक ईमानदार IAS ऑफिसर के ऊपर बेस्ड है जो कि एक करप्ट चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हो जाता है और एक पावरफुल नेता बन जाता है। ऐसा सुनने में आया है कि फिल्म में रामचरण डबल रोल में दिखाई दे सकते हैं और उनमें से एक ISA के रूप में प्ले करेंगे। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग तेलुगु और तमिल में एक साथ की जा रही है एंड बात करें म्यूजिक की तो वो SS थमन ने दिया है। ऐसे सुनने में आया है कि इस फिल्म का बजट काफी ज्यादा होने वाला है जो कि 170 करोड़ रुपए बताया जा रहा है ना एक हाईएस्ट लेवल बजट। दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त को दे दीजिए इजाजत और आपकी इस मूवी यानी कि RC-15 को लेकर क्या सजेशंस या फीडबैक है ये हमें जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म को देखने के लिए आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे, साथ ही साथ इन फैक्ट्स के बारे में जानकर काफी हैरान भी रह जाएंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, जहां पर हर मूवी अपडेट मिलेगी सबसे लेटेस्ट एंड सबसे फास्ट, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।